हमारे को दरकिनार करते हुए एक अपराधी किस्म के प्रत्याशी को उतार दिया, जिसका आपके गांव में विरोध भी हुआ और सब गांव में विरोध हो रहा है। परंतु बीजेपी पार्टी ने भी और कांग्रेस पार्टी ने, बहुसंख्यक लोग हैं, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों चाहे राजपूत समाज के, कौन सी पार्टी ने टिकट देने की भी कोशिश नहीं की, जबकि उनका भी हिस्सा हक है, अधिकार है, एक एक टिकट दोनों पार्टियों ने देनी चाहिए थी। पर पार्टियां मनमानी करती है, वोट लेने का काम करती है, धर्म और जाति के आधार पर वोट तो ले लेते हैं, हमें बताते हैं वोट ले लेते हैं, परंतु जब हिस्सेदारी की बात आती है तो अपने लोगों को हिस्सेदारी देती है। आज हक की बात करने के लिए लड़ाई पर लेनी पड़ती है, और ये विधानसभा अगली बार 2026 में परिसीमन हो जाएगा, जनरल भी हो जाएगी, परंतु फिर ये मध्य प्रदेश से कैंडिडेट ले आएंगे। आज उत्तर प्रदेश का भैया आया है, हमारे बूढ़े कहते हैं, पिता तो गुजरे कि खोटा रुपया और यूपी का भैया किसी काम का नहीं आता। आपने कभी भी आदेश दिया, एक सूचना, एक फोन, एक निमंत्रण दिया होगा, मैं हर समय आपकी सेवा में आगे रहूंगा। आज जो प्रत्याशी हैं, कभी आपके दुख में, सुख में, खेल में, मंदिर में, गौशाला, धर्मशाला कहीं नहीं मौजूद रहे होंगे, परंतु आज वोट मांगने के लिए आपके सामने खड़े हैं। आप लोगों ने फैसला करना है, मैं आपकी सेवा में आगे रहने वाला, आपका बेटा, आपका भाई, मेरा किसी समय कॉलर पकड़ लेना, हाथ पकड़ लेना, बाजू पकड़ लेना, मुझे धमका देना, फिर भी आपकी सेवा करूंगा, आपका काम करूंगा। दोनों प्रत्याशी आपको एक 10 साल में, पहले प्रत्याशी था जैसे लोगों से नहीं मिलता था, लोग निराश थे, पार्टी टिकट काट दी, अब जेजेपी से लेकर के बीजेपी ने टिकट दे दी, ये प्रत्याशी भी आपको शायद कहीं दिखाई नहीं देगा, कभी दिखाई दिया भी नहीं होगा। 3 प्रत्याशी मुख्य प्रत्याशी हैं, आप लोगों के बीच फैसला है, जनता ही भगवान होती है, जनता ही अदालत होती है, फैसला जनता करती है, और टिकट भी बड़ी बात नहीं है। पिछली बार राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा, टिकट बांटने वाला भी आप था, टिकट बांटने वाला भी आप था और नेता भी आप था, उससे बड़ा कोई नेता नहीं था, परंतु जनता ने राहुल गांधी को भी हरा दिया था ना अमेठी से, तो जनता से बड़ा कोई अदालत नहीं, जनता से बड़ा कोई आदमी नहीं। पर टिकट तो काट दी हमारी, पर वोट तो आप सबके हल्के में है ना, वोटों से प्रत्याशी बनता है, कैंडिडेट बनता है। मैं आप बनाना के गांव के लोगों से अपील करने आया हूं, समर्थन मांगने आया हूं कि आपकी आत्मा पे हाथ रख के फैसला करना। 3 मुख्य प्रत्याशी हैं, जो भी आपकी सेवा कर में आगे रहा हो, दुख सुख में आगे रहा हो, आधी रात को भी आवाज दिए तो खड़ा पाया हो, आप तीनों में से छाट करके वोट देना, जो अच्छा लगे उसको वोट देना। यदि मैंने आपकी सेवा की है तो मेरा हक बनता है, मैं झोली पसार के वोट मांगने आया हूँ, मेरे हक का हिस्सा मांगने आया हूँ, और आपके मेरे जो मैंने सेवा की ब्याज सहित उसकी उधार मांगने आया हूँ। पिता तुल्य बुजुर्गो, मेरे युवा साथियों, भाइयों, माताओं, बहनों, आज आप सबसे अपील करने आया हूँ कि आने वाली 5 तारीख को, अन्यथा मैं आपके बीच रहा हूं, फिर आगे बीच में रहूंगा, मेरा चुनाव चिन्ह केतली का निशान है, उसके बटन नंबर 10 के सामने वाला बटन दबाना है, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, इससे भी कई गुना ज्यादा कर सकूं। मुझे सेवा का मौका देना, और आप चाहोगे उसकी सरकार बनेगी, आपके बार अखबार, मीडिया, सोशल मीडिया सब कह रहा है निर्दलीय सरकार बनाएंगे। बाबा परमहंस के आशीर्वाद से, बाबा श्याम जी के आशीर्वाद से, क्या पता अच्छा हो।